तो दोस्तों वेलकम बैक। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मैं कंट्री साइड से गुजर रहा था, सो आई थॉट आई जस्ट पार्क द कार एंड देन शो यू यहाँ पे थैच होम्स किस तरह के होते हैं। या थैच होम्स ये एक जिस तरह हम लोग अपने मुल्कों में कोई एक मटेरियल यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें बनाने के लिए, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज मटेरियल दे यूज़ एक्चुअली इधर। यहाँ पे उस तरह के घर बनते हैं पर अब नहीं बनते, ये बहुत पुराने हैं। दे आर मैनी 100 ईयर्स ओल्ड हाउसेस, बहुत कई सौ साल पुराने घर हैं। तो आपके लिए ये देखने का मौका मिलेगा, कम विद मी। जैसे कि मैं कंट्री साइड से जा रहा हूँ, यहाँ पे कई लोग जो फॉरेस्ट से फॉरेस्ट ये इस तरह कंट्री साइड्स के अंदर रहते हैं, उनके पास अपनी मुर्गियाँ हैंस वगैरह होती हैं, वो बाहर ये फ्री रेंज एग्स रख देते हैं ताकि लोग कन्वीनियंस के तौर पे यहाँ से उठा के भी लेके जा सकते हैं। कैसी कैसी बात है, ये कर्टसी देखी आपने लोगों की, यहाँ पर ऐसे भी होता है। ये हैम्पशायर के अंदर ही जो हमारे काउंटी के अंदर ही एक एरिया है, सब कंट्री साइड है। ये सामने आप घर देख रहे हैं, ये थैच होम्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत लाइक मैनी 100 ईयर्स ओल्ड। ये सारी कंट्री साइड है। जी इधर ऐसे भी होता है हैम्पशायर। ये प्राइवेट रोड है जिसके अंदर मैं आ रहा हूँ और ये आपको सामने व्यू दिखाने आया हूँ। दे आर अमेजिंग। वो सामने हॉर्सेस हैं। इधर हॉर्सेस रखना बहुत महंगा शौक है, जो लोग रखते हैं बहुत महंगा शौक है, ये आम बंदा नहीं इधर रख सकता। ये थैच होम्स जो हैं, ये जो एक हमारे मुल्कों में बोला जाता है ना, जो जिसके साथ वहाँ पे हैट भी बनती है और कुछ और भी दूसरी तरह की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, ये तीला जिसको बोलते हैं, ये वो चीज़ है। तो अभी यहाँ पे एक लेडी गई थी ये गाड़ी के अंदर, वो मुझे पूछी थी आप इधर क्या कर रहे हो, सो आई वाज जस्ट टेलिंग हर, मैं क्या मैं हॉर्सेस की मूवी बना रहा हूँ। अच्छा अब मैं रोड क्रॉस करना। ये कंट्री साइड के अंदर इधर लोग जो है ना सम टाइम रफ भी होते हैं पर सम टाइम अच्छे तरीके से जगह भी दे देते हैं। यह नॉर्मल घर जो होते हैं ये जिस तरह आप देख रहे हो, ठीक है, इनकी छतें दूसरे तरीके की होती हैं। यह पर ये जो दूसरा थैच होम था जो आपको मैंने बताया, ये डिफरेंट तरह के होते हैं। इनकी मेंटेनेंस, ये घरों की इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है, यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव। ये आज आपने थैच होम भी देख लिए हैं, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये घर यहाँ पे। अब बहुत थोड़े रह गए हैं पर अभी भी बहुत नॉर्थ में जाओ ना यूके के, तो वहाँ पर अभी भी नज़र आते हैं और बहुत यूनिक होते हैं। सर्दियों में ये ऐसे लगता है कि ये घर अंदर बहुत ठंडा होगा पर ऐसे नहीं होता, ये बहुत अंदर से इन्होंने बर्नर लगाए होते हैं, नॉर्मल हीटिंग नहीं होती। ये आगे एक जानवर जा रहा है, ये यहाँ पे बहुत रेयर है, वो देखें, ये मल्टी कलर्स के अंदर होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ये हमारे मुल्कों में शुतुरमुर्ग से इसकी मिलती जुलती मिलावट है पर ये इसके पर नहीं होते ज़्यादा, ये सब कंट्री साइड के अंदर ये बहा रहे हैं। वो देखे किस तरह जा रहा है, इसकी नेक जो है ना मल्टी कलर होती है। इधर की ये देखें आप, रोड्स देखें,
कैसा है, कितने नैरो हैं, किस तरह लोग आते जाते हैं। ये डॉग वॉकर जा रहे हैं, लोगों ने अपना कुत्ता पकड़ा हुआ है हाथ में। बस देख लें, यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी जाने का रास्ता है, ठीक है। अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। वो उसको पीछे जाके वहाँ कभी कोई ले बाय जगह आएगी, वहाँ गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे ही है। यहाँ पर ऐसे ही होता है, ये कंट्री लेन्स के अंदर जब वो गाड़ी लेके आ जाओ तो देन आपको स्टक हो जाते हो, एंड देन फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती अनलेस आप किसी जगह पे रुको, अगले आने वाली गाड़ी को जगह दो। लोग इधर घरों में, उनको दूसरे तरीके से गैस नहीं आती, ये पीछे बहुत बड़े ड्रम पड़े होते हैं, लोग इसमें ऑयल यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, घर की बैक साइड पे एक पड़ा हुआ है। ये जो ड्रम आपने अभी देखा, लोग उसको घर में जो हीटिंग ऑन करने के लिए भी वो ही यूज़ करते हैं, उनके पास हीटिंग ऑन करने की और ऑप्शन नहीं होती, तो ये लोग ऑयल परचेज करते हैं जी। सो आज के साथ इतना ही दोस्तों, बाकी बहुत कुछ है, नेक्स्ट वीडियो के साथ अपडेट करूँगा। कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय।